मेरे ख्याल में थोड़े से डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे, उनके पास चांस था ये मैच जीतने का 144, स्पेशली विद बांग्लादेश बॉलिंग लाइनअप के, जिसमें उनके मेन सिर्फ चार बॉलर से वो खेल रहे हैं और पांचवा पार्ट टाइमर है। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक अच्छा चांस मुझे लगता है कि नीदरलैंड से ज़ाया हुआ है, जो कि आज मैच वो जीत सकते थे बिल्कुल। और इनकी अगर बांग्लादेश की थोड़ा सा और डीप जाया जाए इनकी बैटिंग में, शांतो को तो मैंने देखा है ऑन एंड ऑफ, ही स्कोर 25 of 20, बट सौम्या सरकार जो बैट्स एट नंबर 3, यूजली इन हिज करियर ही बैटेड नंबर 2, 3 and 4 एज एन ओपनर एंड वन डाउन एंड नंबर 4, हिज रैकेट इज नॉट दैट ग्रेट। आई मीन इफ यू सी हिज रैकेट, 251 runs, 16 innings, एवरेज ऑफ 15, जस्ट ओवर 15, स्ट्राइक रेट ऑफ 112, दैट्स हिज करियर एवरेज। और ये खेल ही जा रहा है 10 साल से, और हर टीम है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब आठवें नंबर पे मुसद्दिक इज क्वाइट इफेक्टिव, बड़ा अच्छा वो नीचे, आज भी उसने आके जो 12 गेंदों में 20, आठवें नंबर पे आप ऐसे प्लेयर को खिला रहे हो, उसको सिर्फ 12 बॉलें दे रहे हैं, और आठवें नंबर पे भी बैट्समैन आ रहा है, नूरुल हसन भी खेल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, एंड देन अगेन आप कहीं ऊपर से भी अटैक नहीं कर रहे, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से आप खेलेंगे। ये वही प्लेयर हैं जो 10-12 साल से नज़र आ रहे हैं, नहीं कोई बैटर इनमें आ ही नहीं रहा, नहीं या ग्रूम नहीं कर रहे, आई मीन दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम, बट आई सपोज द पिचेस आर सच मे बी बिकॉज लाइक आई सेड लव ऑफ द गेम इज ह्यूज इन बांग्लादेश। हाँ शेबी, आप कुछ कह रहे थे। सौम्या सरकार ही हैज बीन बॉलिंग फॉर बांग्लादेश, जैसे वो चार बॉलर्स के साथ खेलते हैं तो उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तीन जो है ना, तीन या चार, कभी कभी वो चार ओवर जो आके कर जाता है, आज भी उसने 3 ओवर कराए हैं और 29 रन दे के एक आउट किया है, तो इस वजह से आई गेस थोड़ी सी कंपनसेशन हो रही है उसकी, अगर उसके बैटिंग के स्टैट्स अच्छे नहीं है, बट बांग्लादेश दे हैव बीन यूटिलाइजिंग हिम एज अ बॉलर एज वेल, फिफ्थ बॉलर।